नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूं आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए अगस्त 27 का खास पाठ। 27 अगस्त को राष्ट्रीय पेट्रोलियम दिवस होता है। यह इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय संपदा और इसके हमारे जीवन के लिए किए गए महान योगदान का सम्मान करने का दिन है। आप अपने जीवन में पेट्रोलियम का प्रयोग करने वाले कितने उत्पादों का उपयोग करते हैं? पेट्रोलियम, जिसे अक्सर कच्चे तेल के रूप में जाना जाता है, जो भूवैज्ञानिक संरचनाओं में अनायास ही बनता है, इसे अक्सर विभिन्न प्रकार के ईंधन और रसायनों में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की खोज एडविन एल ड्रेक ने 27 अगस्त 1858 को टाइटसविले, पेंसिल्वेनिया में की थी। उन्होंने टाइटसविले में सतह से 70 फीट नीचे तेल खोजा। इस प्रकार आधुनिक पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत हुई। यह घटना टाइटसविले के इतिहास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि कच्चे तेल की खोज के बाद से यह क्षेत्र समृद्ध हो गया। इसके साथ ही यह लोगों को पेट्रोलियम उद्योग के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान पर विचार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। डामर, जो पेट्रोलियम का एक अर्ध ठोस रूप है, जिसका उपयोग पहली बार 4000 साल से भी पहले बेबीलोन की मीनारों और दीवारों को बनाने के लिए किया गया था। पेट्रोलियम का उपयोग पहली बार ईंधन के रूप में 2000 साल पहले प्राचीन चीन में किया गया था। इसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व से निकाला और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता था, और यहाँ तक कि अस्तित्व में आने वाली सबसे पुरानी चीनी पुस्तकों में से एक आई चिंग में भी इसका उल्लेख किया गया है। पेट्रोलियम के एक अन्य उपोत्पाद टार का उपयोग 9वीं शताब्दी के दौरान बगदाद की सड़कों को पक्का करने के लिए किया गया था। तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पेट्रोलियम काफी लंबे समय से मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि 19वीं शताब्दी के दौरान पेट्रोलियम का उपयोग वास्तव में बढ़ गया था, और यह तब था जब पेट्रोलियम से कोयला, तेल, मिट्टी का तेल और अंततः गैसोलीन बनाया गया था। और अंत में क्या आप जानते हैं, 27 अगस्त 1604 को गुरु ग्रंथ साहिब को पहली बार 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया गया था। इसका दूसरा और अंतिम संस्करण गुरु गोविंद सिंह जी की कृति है, और इसे 1705 में दमदमा साहिब के अंतिम रूप में दिया गया था। और 27 अगस्त 1950 को टेलीविजन की दुनिया के इतिहास में बीबीसी ने पहली बार साइट आधारित सीधा प्रसारण किया था।